हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को तन्वीज किचन मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सबको विश करना चाहूँगी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी सा प्लम केक, इसको आप फ्रूट केक भी बोल सकते हैं। ये फुल्ली ड्राई फ्रूट्स में लोडेड होने वाला है और देखिए कितना ये स्पंजी होने वाला है, खाने में भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आटे से बनाया है विद गुड़, और हमने इसमें ऑयल का भी यूज नहीं किया है। इसका टेक्सचर देखिए, लग रहा है कि ये आटे का है, मैदे का नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आटे से इतना अच्छा केक बनेगा। तो जो भी है, हमारा प्लम केक अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। जनरली प्लम केक को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ आपको बताऊँगी इंस्टेंटली हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बहुत सारा ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है आलमंड, काजू, टूटी फ्रूटी, किशमिश, चेरी, मार्क्समेलन सीड। कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम पहले इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स है इसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले बादाम को कट कर लिया है, फिर मैं यहाँ पे काजू को भी कट कर लूँगी। इस तरह से हम यूज करने वाले सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे गुड़ लेंगे। आज हम हेल्दी केक बना रहे हैं इसलिए हम चीनी का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गुड़ का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीबन एक कप जितना गुड़ लिया है, गुड़ का पाउडर लिया है मैंने। आप चाहे तो लिक्विड गुड़, सॉलिड गुड़, कोई सा भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। ये करीबन 100 ग्राम का गुड़ होगा। तो इसको पैन में लेके हम फ्लेम को हाई कर लेंगे, और इसमें मैंने 3-4 चम्मच जितना पानी ऐड किया है, और इसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। आप चाहे तो शुगर को कैरेमलाइज करके भी ये रेसिपी बना सकते हैं, पर आज हम हेल्दी वाला बना रहे हैं इसलिए यहाँ हम गुड़ पे बनाएंगे। फिर इसमें जाएगा सारे जितना हमने कट करके रखा था ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें देने के बाद हम इसको थोड़े देर के लिए ऐसे चला लेंगे। अगर आपको इसको मिक्स करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसको ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं पकाना है, 1-2 मिनट्स के लिए ये पक जाएगा, क्योंकि हम इसको ओवरनाइट सोक करके नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पका लेंगे। अभी हमारा ये रेडी हो चुका है, देखिए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान दें कि हमें गुड़ को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तो इसलिए गुड़ देने के बाद पानी देके बस गुड़ मेल्ट होने के बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको 1-2 मिनट बाद ही हम इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ हमारा ड्राई मिक्स बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे को ले लिया है। गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना यूज किया है। फिर इसमें डालेंगे हम पिंच भर नमक। फिर इसमें डालेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही एनहेंस होके आता है। अगर मिल्क पाउडर है तो आप जरूर से डालिए, इससे बहुत ही अच्छा गजब का टेस्ट निकल के आएगा केक में। और फिर मैंने यहाँ पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये सबका हमें पाउडर बना के इसको छान के हम ले लेंगे। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जितना इसमें, और सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अभी हम छान लेंगे। सब चीज़ को छानने के बाद हम यहाँ सबको मिक्स करके साइड में रख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑरेंज जूस निकालना। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज का ऑरेंज का यूज कर रही हूँ। ऐसे छलनी लेके हम ऑरेंज जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड वाला भी ऑरेंज जूस यूज कर सकते हैं, पर आज हम हेल्दी केक बना रहे हैं इसलिए हम ऑरेंज जूस फ्रेश ऑरेंज से निकाल के हम केक में बनाएंगे। और फ्रेश ऑरेंज जूस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ऑरेंज जूस देखिए 1/2 कप जितना निकला है। फिर आज हम यहाँ ऑयल का यूज नहीं करेंगे, घी बटर का भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको रिप्लेस करेंगे घर की मलाई से। मैंने इसको सुबह दूध को गर्म करके रख दिया था फ्रिज में। इसका देखिए कितना मोटा मोटा मलाई यहाँ जम के रेडी है। अब सारे मलाई को हम ऐसे निकाल लेंगे एक बाउल में। फिर बाउल में निकालने के बाद हम इसको अच्छे से विस्कर के साथ व्हिप कर लेंगे। इसको हम थोड़ा व्हिप कर लेंगे जब तक ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ऑरेंज जूस निकाल के रखा था उसको मलाई में मिक्स कर लेंगे। दोनों को हम अच्छे से यहाँ पे व्हिप कर लेंगे। हम ऑरेंज जूस थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और ये मिक्सचर हम बनाते जाएंगे और इसको व्हिप कर दे जाएंगे। इस स्टेज में मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा वेनिला एसेंस। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए व्हिप कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा व्हाइट मिक्स रेडी है, अब इसको हम साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पहले से ही केक टिन को रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है
बटर पेपर को मैं यहाँ प्लेस कर लूँगी और ऑयल से या घी से आप बटर से ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप मैदे से डस्टिंग करके बटर लगा के भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखा था गुड़ के साथ, अब ये ठंडा हो चुका है देखिए। तो अब हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स बनाए थे अब सबको मिक्स करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वेट मिक्स को इसमें डाल दिया है, जो मलाई और ऑरेंज उसका हमने बना के रखा था, इसको डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो पाउडर वाला मैंने रखा था मिक्स, उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे, हमारा बैटर को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसको अच्छे से मिक्स करके डालना है। अगर बैटर थोड़ा ठीक लगे तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, पर बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है नीचे जाके सिंक हो जाएंगे। इसलिए हमको बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में ही रखना है इसको। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बहुत सारे लोगों को प्लम केक बनाना रहता है पर ये मैदे का होता है, तो आज हमने ये हेल्दी वाला ऑप्शन चूज किया है। अभी इसको घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है और ये आपके क्रिसमस को भी हैप्पी वाला क्रिसमस बना देगा। और ये केक तो दिखने में भी जितना यम्मी होने वाला है, खाने में भी उतना भी टेस्टी होने वाला है। बैटर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच बेकिंग सोडा और मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा विनेगर इसको एक्टिवेट करने के लिए। हम इसको विनेगर डालने के बाद इस सबको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमें ओवर मिक्स नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इस स्टेज में हमारा जो बेकिंग पाउडर वो एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए उसको हम तुरंत टिन में डाल देंगे। इस स्टेज में हमें लेट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा तो केक फिर अच्छा नहीं बनेगा। केक टिन को ऐसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, क्योंकि बैटर यहाँ पे बहुत थिक है तो इसको सेट होने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको ऐसे टैप टैप कर लेंगे, फिर हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये कलरफुल लगता है इसमें डालने से। आप चाहे तो डेकोरेशन को स्किप कर सकते हैं, पर ये देने से बहुत ही सुंदर लगता है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। लेकिन आपको एक काम करना है, बेकिंग पाउडर डालने के बाद जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस करना है। और मैंने ओवन को भी प्री हीट के लिए रख दिया था यहाँ पे 180 डिग्री के लिए, तो इसको जल्दी से डेकोरेट करके हम ओवन में इसको डाल देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप एक कढ़ाई में स्टैंड लेके प्री हीट करके उसके अंदर भी पतीले को स्टैंड डाल के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ओवन को 180 डिग्री में प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अभी हम अंदर स्टैंड डाल के हमारे केक टिन को अंदर रख देंगे, 40 मिनट का सेट कर देंगे। केक यहाँ बनने में मुझे 40 मिनट्स लगे थे, यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है। हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे, देखिए पूरा क्लियर निकला है हमारा। इसको ऊपर से ऐसे ढक देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। लगभग एक घंटे बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे, ऐसे प्लेट को रख देंगे और फिर केक टिन को पलट लेंगे। अब सारे बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बना है, मैं इसको आप कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, ये बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। देखिए इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा है, कलर भी बहुत ही अच्छा है, कहीं से भी ये गीला गीला नहीं है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट केक है। आप इसको ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिए, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आटी से इतना अच्छा केक बनेगा, बहुत ही लाजवाब था। और आप लोग ज़रूर इसको घर में एक बार ट्राई कीजिए, और ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आया ये केक। तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।